अगर गन्स मिल जाती हैं बहुत दिक्कत में आ सकती है फनाटिक यहाँ पर, बट देन फनाटिक के प्लेयर्स ऑब्वियस को एसएलआर मिल चुकी है एंड इवन उन्होंने रौनक को पिक ऑफ कर लिया इस स्टेज के अंदर, बट देन ऑब्वियसली ओबेस के पास यहाँ पर गन आ चुकी थी, उन्होंने हेल्थ काफी ज्यादा कम कर दी यहाँ पर 4 MP बिल ओपी की। देखना पड़ेगा रिवाइवल यहाँ पर कितनी जल्दी मिलता है रौनक को एंड वो किस तरीके से फाइट्स को अपने हाथ में लेते हैं, बिकॉज पूरा का पूरा फाइट यहाँ पर आ सकता है। पारितोष को भी डाउन किया जा चुका है, क्राउन ने अर्ली स्टेज में फाइट ले लिया एश पास M4 एंड उसका वो बखूबी फायदा उठाना चाहेंगे। ग्रेनेड आ सकता है यहाँ पर, क्राउन को स्पॉट किया जा चुका है, ग्रेनेड का पूरा टाइम देख रहे हैं, टाइम यहाँ पर ग्रेनेड थ्रो करेंगे एंड क्राउन वहां से उसी मूवमेंट पर हट जाते हैं, बट देन दैट वाज नॉट इनफ एंड एश के ग्रेनेड से क्राउन डाउन होते हुए दिस माइट बी द ओपनिंग द फनाटिक एक्चुअली नीड्स राइट नाउ एंड ओबेस और एश ये दो प्लेयर्स बचते हैं। अब एश शायद अंदर मूव इन करना चाहेंगे या फिर पहले रिवाइव देना चाहेंगे पारितोष को एंड इवन ओपी को स्पॉट किया जा चुका था टीवीपी के थ्रू, ओबेस ने स्पॉट कर लिया, बट देन 53 बुलेट्स इन दैट बाइसन आई थिंक बहुत ज्यादा कारगर हो सकते हैं। क्रेटोस ने ओआर एंटो को गाड़ी से नॉकआउट कर दिया है ऑन द अदर एंड, सो हर एक एरिया पर फाइट हो रही है एंड अब इट इज टाइम जब रिवाइवल मिल सकते हैं, बट देन इवन ओपी को भी पिक ऑफ कर चुके हैं, आफ्टर दैट आई थिंक रिवाइवल दिया जाएगा, बट 4M जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर थी आई गेस एक वीक स्पॉट पर आ चुकी है। यस एंड टीम ऑरेंज रॉक और टीम आईएनडी के बीच में वहां पे फाइट होता वक्त एंटो को नॉक और फिनिश व्हीकल के द्वारा हो चुके हैं एंड 2EZ4 के आकाश इन द मीनवाइल गॉड्स की इको को नॉक कर दिया। लास्ट मेंबर सर्वाइविंग फ्रॉम टीम 4M दैट इज गोइंग टू बी मैग्नस। देखते हैं यहां पे टीम फ्नैटिक का यहां पे अंधा पुश आने वाला है किसी भी मोमेंट, पारितोष यहां पे MP5 के द्वारा इविल और एनोनिमस को फिनिश करते हैं। ओवेस ने यहां पे स्पॉट कर लिया है मैग्नस को, M4 वर्सेस बाइजन, क्या यहां पे मैग्नस क्लच कर पाएंगे, ओवेस यहां पे पुशिंग करते हुए इसी के साथ टीम फ्नैटिक बहुत ही बेहतरीन 4 किल्स लेती है एंड कर दिया, उनको पता है कि पेन उनके साइड पर आ सकते हैं, बट देन केव चार्ट वहां पे स्प्रे दे रहे थे, एश ने केव चार्ट को पिक ऑफ कर लिया है, रौनक इज सेफ राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ एश राइट नाउ एंड एश को देखना पड़ेगा किस तरीके से वो रौनक को अपने पास आने देते हैं, पूरा का पूरा कवर दे रहे हैं, उनको पता है केव के प्लेयर्स उनके और केव के प्लेयर्स के बीच में एक घर का डिस्टेंस बन जाता है। पारितोष का रोटेशन once again I'll say one of the best rotations, आगे से नहीं तो पीछे से इसको पूरा पूरा पकड़ के ना खत्म कर सकते हैं एंड यहाँ पे आश पुश इन करते हुए इग्नाइट की तरफ, इग्नाइट यहाँ पे स्प्रे के वेट के यहाँ पे रिलोड होने का एंड इस चीज का फायदा उठाते हुए रौनक डेफिनेटली नॉक हो चुके हैं, बट आश के ऊपर पूरा जिम्मेदारी हो जाता है। यहाँ पे टीम केफ के प्लेस धीरे धीरे पुश करना चाहेंगे, रेड आइज यहाँ पे स्पॉट होते हुए एंड यहाँ पे शॉट्स लेते हुए आश उनकी तरफ, बट कनेक्ट नहीं कर पाए, बट यहाँ पे रेड आइज का पुश आता हुआ, यहाँ पे दो प्लेस पुशिंग कर रहे हैं, रेड आइज काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं एंड यहाँ पे आश रेड आइज को नॉक कर देंगे एंड मोमेंटम अभी आश के पास आ चुका है, पेन को भी यहाँ पे फिनिश कर देंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैजिकल डिस्प्ले बाय टीम फनाटिक के आश एंड He silences everyone जो उनको डाउट करते थे, जो उनके स्किल को, that is team Fnatic Ash for you guys। इस बार आगे आते हुए एक ग्रेनेड किया जा रहा है, ग्रेनेड काफी ज्यादा ये सही हो सकता है, बट देन इनके ऊपर थोड़ा सा डैमेज किया जा चुका है, ग्रेनेड ऐसे फटने वाला है, बट देन द मेजर पावर इज कि एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे प्लेयर को डाउन किया, क्राउड शॉट लिया था वाज नॉट इनफ एंड टीम आईएनडी स्नैक्स को फिनिश किया जाएगा। लूसिफर इज द लोन सर्वाइवर विद दोस 100 बुलेट्स इन हिज हैंड्स एंड M249 जिसकी कैपेबिलिटी है कि इकट्ठे पूरे का पूरा स्क्वाड वाइप कर सकती है वो एंड यस एग्जैक्टली मैंने एक्सपेक्ट करा था कि लूसिफर में भी जब फाइट छिड़ चुका है वहां पे एंगेज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक डू और डाई का सिचुएशन हो चुका था, क्योंकि पूरी स्क्वाड यहाँ पे फोकस्ड इन हो गई थी यहाँ पे स्नैक्स के ऊपर, अगर लूसिफर यहाँ पे पीछे से आते M249 का बारिश करते तो शायद यहाँ पे टीम आईएनडी में भी फिनिश ऑफ कर सकती थी टीम सैड को, बट अभी भी चांस है टीम आईएनडी के पास क्लच करने का, बट टीम सैड के पास भी वेपन्स है ग्रोजा जैसी पावरफुल वेपन्स एंड यहाँ पे पुश आ चुका है, स्प्रे डाउन करना चालू करेंगे, बट टीम सैड के डेल्टा पीजी घुस के टीम आईएनडी लूसिफर को चाहते हैं, वो धीरे धीरे पैदल चलते हुए आ रहे हैं, एश ने वहां पर शिलेक्स को डाउन कर दिया, फिनिश कर दिया पूरी पूरी पीएसवाई की स्क्वाड को एंड सैड आमिर भी वहां पर डाउन हो चुके हैं, 2EZ4 भी का बहुत अच्छी फाइट ले रहे हैं, एश ने 2EZ4 प्राइम को पिक ऑफ कर लिया है, सो एश भी फाइट से बिल्कुल नहीं हट रहे हैं, डार्क लॉर्ड अभी भी रिवाइव होने के कगार पर है, विप्लव जोन के बाहर थोड़ी देर के लिए हील बैटल कर रहे हैं, उनको जोन के अंदर मूवमेंट देना ही पड़ेगा बिकॉज जोन आना शुरू हो चुका है, 7 जोन दैट इज व्हाट इट इज एंड गॉडल ने जोन को बहुत प्यारे तरीके से रीड किया मेरे ख्याल से, फनेटिक की स्क्वाड वापस से एक दूसरे से मिल चुकी है, एश एंड पारितोष आर आउट देयर, डेल्टा पीजी डार्क लॉर्ड का किल उठा लेंगे एंड प्ले जोन 2EZ4 के प्लेयर्स को खत्म कर देगा, पारितोष को डाउन किया जा चुका है बाय सीजी डेड ओपी एंड क्रेजी गैंग इज वंस अगेन कमिंग इनटू द लोकेशन राइट नाउ, बट देन डेड ओपी को वहां पर डाउन करेंगे गॉडल के प्लेयर्स। यस एंड फनेटिक के आज की जरूर कोशिश ये रहेगी कि अपने प्लेयर्स को भी रिवाइव करेंगे, किल्स अभी हैं टीम के लिए भी और उनके इंडिविजुअल किल्स भी 8 है, लुक एट दैट, जस्ट इमेजिन दैट अमाउंट ऑफ किल्स अगर आपके पास होते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी टीम को एक बहुत अच्छे मुकाम तक लेकर जा सकते हैं, वहां पर किसी वाइटी का किल उठाया गॉड स्मोकी ने एंड पूरा का पूरा मेरे को लगता है क्रेजी गैंग एलिमिनेट हो चुका है यहां पर, इट्स डाउन टू सैड वर्सेस गॉडल वर्सेस फनेटिक, फनेटिक के पास अभी एक बहुत अच्छा एक एरिया था, बट देन एश मेरे को लगता है जोन के बाहर फिनिश हो जाएंगे, फनेटिक का गेम यहां पर जोन के कारण खत्म होता हुआ, रियली रियली सैड फॉर देम, इट्स डाउन टू जस्ट 2 टीम्स, गॉडल जिनको एक चिकन डिनर की तलाश थी पिछले मैच में सेकंड आए थे, इस मैच में उनको डिनर चाहिए चाहिए होगा एंड गॉडल का वीकेंडी गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, परसों इन्होंने एनटीटी को वीकेंडी के अंदर हराया था, तो देखना पड़ेगा
बैड के अगेंस्ट किस तरीके से पूरे के पूरे सिनेरियोस लेकर आता है। 3v3 का फाइट है, दोनों टीम्स इक्वल ग्राउंड्स पर है बिकॉज तीन तीन प्लेयर्स दोनों टीम्स के हैं, फायर पावर दोनों टीम्स के पास बहुत ज्यादा अच्छा है। आई वुड वांट टू सी कौन सी टीम यहां से विक्ट्री लेकर जाती है। यस बट आई थिंक द मनी विल बी ऑन टीम सैड बिकॉज उनके पास आप वेपन देख सकते हो, हाई देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार उस चीज का यूटिलाइजेशन करते हैं। मीनवाइल टीम गॉडल के पास उनकी एक्सपीरियंस है, कैरी है, गिल है, एग्जिस्टेंस है, स्मोकी है, एंड फिलहाल सैड डेल्टा पीजी ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन नॉक कर दिया गिल को, एंड यहाँ पे स्मोकी भी नॉक होते हुए एग्जिस्टेंस यहाँ पे लास्ट बचते हैं क्योंकि कैरी भी पहले से नॉक हो चुके हैं। इसी के साथ इट्स अ क्लीन वाइप बाय टीम सैड, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम प्ले बाय टीम सैड। यहाँ पे आप देख सकते हो सैड के डेल्टा पीजी के